अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका जो मोबाइल है, अगर उन सेटिंग्स को आप अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका मोबाइल एक अच्छा बैटरी बैकअप आपको देगा। तो अगर आपके पास MI या Redmi का मोबाइल है उसी के लिए सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर जाना है आपकी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको अबाउट फोन का जो सेक्शन है उसे ओपन कर लेना है और MIUI वर्जन को आपको 7 बार टैप कर देना है कुछ इस तरीके से। इससे आपका डेवलपर ऑप्शन है जो वो इनेबल हो जाएगा। फिर आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके जब आप देखोगे तो आपको सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका इस तरीके का डिसेबल है तो आपको क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे मैसेज लिमिट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट कर देना है। फिर उसके बाद में को दूसरा ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको ये मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव का जो ऑप्शन है, अगर आपका ये इस तरीके का आपको इनेबल दिखता है तो आपको इसको क्लिक करने के बाद में डिसेबल कर देना है और आपको अपनी होम स्क्रीन पे आ जाना है। फिर उसके बाद में आपकी जो मोबाइल की सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी का जो आइकन होता है उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपको जो सबसे ऊपर सेटिंग का आइकन दिख रहा है इसे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देखोगे तो आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको क्लिक कर लेना है। और इसको क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर जो आपका जो ऑप्शन है टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसे क्लिक करना है। और इसे क्लिक करने के बाद में आपको इन 5 मिनट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और सबसे लास्ट स्टेप आपको अपने जो प्ले स्टोर है उसके अंदर जाना है और आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ऑटो अपडेट ऐप्स, इसको क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करने के बाद में जो सबसे नीचे आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का जो ऑप्शन है उसे डन कर देना है। और ये थी दोस्तों कुछ बेसिक सेटिंग जो मैंने आपको बताई। आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन पे अप्लाई कीजिएगा और डेफिनेटली आपका मोबाइल एक अच्छी बैटरी बैकअप आपको देगा, पहले से अच्छी बैटरी बैकअप देगा।